रिसाइकल बिन क्या है और यह कब कार्य करता है तथा कब कार्य नहीं करता। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंकज कुमार। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगर हम बात करें रिसाइकल बिन के कार्य की, तो रिसाइकल बिन हमारा कुछ इस तरह कार्य करता है। जिस फाइल को हम डिलीट करते हैं, जैसे कि ये देखिए, हम इस फाइल को सेलेक्ट कर लिए। अब इस फाइल को हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। ये रहा, डिलीट किया हमने, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद नीचे आए, नीचे करने के बाद हमें डिलीट पर क्लिक किया। इसने पूछा, आर यू वांट टू मूव दिस आइटम टू रिसाइकल बिन। जब हम यस करेंगे तो ये रिसाइकल बिन में चला जाएगा, और नो करेंगे तो ये डिलीट भी नहीं होगा। यस करते हैं, देखिए अब अंदर रिसाइकल बिन हम ओपन करेंगे। तो रिसाइकल बिन जब हम ओपन कर क्लिक करेंगे तो क्या देखते हैं कि वह फाइल जो हमने फाइल अभी डिलीट किया था, ए और बी नाम से था, वह फाइल अब हमारे रिसाइकल बिन में है। अगर हम इसे फिर से रिस्टोर करना चाहते हैं तो दोनों फाइल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम रिस्टोर द सेलेक्ट आइटम्स या राइट क्लिक करके रिस्टोर पे क्लिक कर देंगे, तो यह वापस उसी लोकेशन पे चली जाएगी जहां से हमने इसको डिलीट किया था। देखिए हमने रिस्टोर कर दिया, अब यह यहाँ पर है, ए और बी दोनों फाइल। लेकिन जब हम इसे परमानेंटली डिलीट करेंगे, परमानेंटली डिलीट कैसे होगा, शिफ्ट के साथ हम जब डिलीट प्रेस करेंगे तो ये हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा और यह रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। यह है हमारे रिसाइकल बिन का कार्य।